कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बात का खुलासा इसके टॉप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने किया। डॉक्टर पद्मा ने ईटी से बातचीत से बताया कि कॉमेडियन का ब्लड प्रेशर गिर रहा है, उनकी हालत बेहद खराब है, वो भी कोलकाता से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रही हैं। राजू श्रीवास्तव के भतीजे कुशल ने भी पोर्टल से बातचीत में कॉमेडियन के हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट दी। कुशल ने सुहासी आवाज में कहा, अब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई जादू हो जाए, प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव कोलकाता से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेकर आ रही हैं। वो आज शाम तक यहाँ आ जाएं। जैसे कि हमने बताया कि राजू की हालत बहुत नाजुक है। बता दें कि मामला 10 अगस्त बुधवार शाम का है, जब राजू श्रीवास्तव दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन कर्ल जिम में, उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और जमीन पर गिर पड़े। उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। राजू के मौजूदा हालात की बात करें तो पिछले 8 घंटे से होश नहीं आया है। उन्हें एम्स के 8 डॉक्टरों की टीम लगातार देखरेख कर रही है। कोलकाता से स्पेशल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव को भी बुलाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए अपने चैनल MCS News Official को सब्सक्राइब भी कर लें।